लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लंकेश्वर मेरे बड़े भ्राता हैं। मैं उनकी कूटनीति और युद्ध नीति दोनों से परिचित हूं। अब वो वानर सेना पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करेगा। रघुनंदन, शत्रु के आक्रमण का सामना करने के लिए हम प्रस्तुत रहेंगे। विभीषण जी, श्री राम, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, शत्रु को आक्रमण करने का अवसर न दीजिए। लंका को चारों ओर से घेर लीजिए। रावण कई मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ सकेगा। प्रभु, हमने अपनी वानर सेना को लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दे दिया है। अब आक्रमण के लिए केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। वानरा सुग्रीव, युद्ध का संचालन आप करेंगे, उचित समय पर उचित आदेश भी आप ही देंगे। प्रभु, आक्रमण करने से पहले विभीषण जी से परामर्श करना आवश्यक था, इसलिए हम इन्हें आपके पास लेके आए हैं। विभीषण हमें परामर्श दे चुके हैं, अभी से कार्यान्वित करना हमारा काम है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आपकी आज्ञा का शीघ्र ही पालन होगा। प्रभु, इस समय मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं। कैसा कर्तव्य? मुझे भी इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा दीजिए। यदि मैं आपकी सहायता न कर सका तो मेरा यहां रहना व्यर्थ है। विभीषण जी, आप हमारे परामर्शदाता हैं, युद्ध में सम्मिलित होने का आदेश हम आपको कैसे दे सकते हैं? ऐसा क्यों प्रभु? विभीषण जी, हम दो भाइयों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। यह हमारी नीति और न्याय के विरुद्ध है। जो आज्ञा प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री राम। क्या कह रहे हो परहस्त? हमें अपनी युद्ध नीति बदलनी होगी। तुम्हारा ये कहने का साहस कैसे हुआ? अपराध क्षमा करें लंकेश्वर, अभी अभी सूचना मिली है कि विभीषण ने वानरों को लंका को चारों ओर से घेर लेने का परामर्श दिया है। अब हमें कई ओर से युद्ध करना होगा। वो नीच विभीषण इस नीचता पर उतर आया है। वो शत्रु की सहायता ही नहीं कर रहा, अपितु उसे परामर्श भी दे रहा है। ये तो होना ही था पिताश्री। अब उनके बारे में सोचकर कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपनी रणनीति का रूप बदलना होगा पिताश्री, अन्यथा युद्ध से पहले हम शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। प्रहस्त, हम युद्ध की नई व्यूहरचना तय करेंगे। ठहरो मेघनाथ, शत्रु से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पहले हम उस कुल कलंक विद्रोही विभीषण को दंडित करेंगे। प्रहस्त, आज्ञा लंकेश्वर। हमारे बलिष्ठ विशिष्ट राक्षस सैनिकों को चुपचाप शत्रु शिविर में भेजकर विभीषण का वध करवा दो। जब तक हम उसके वध का समाचार नहीं सुनेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। ये कार्य बहुत कठिन है लंकेश्वर। शत्रु पहले से अधिक सावधान हो चुका है। एक बार हम शुक और सारंग को वानरों के रूप में वहां भेज चुके हैं। यदि राम उनकी रक्षा नहीं करते तो वो जीवित नहीं लौटते। हमारे सामने शत्रु की प्रशंसा करके हमारे क्रोध को ना जगाओ। जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। हमारे बलिष्ठ विशिष्ट राक्षस सैनिकों को वानर रूप देकर वानर शिविर में भेजो और विभीषण को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े करवा दो। इस समय वानर सेना युद्ध में व्यस्त है, उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं होगा। हमारी आज्ञा का तुरंत पालन करो। जाओ। जो आज्ञा लंकेश्वर।
प्रकट, हम यहां तक तो पहुंच गए, परंतु विभीषण कहां इस बात का पता कैसे चलेगा? प्रहस ने क्या कहा था, भूल गए? हाँ, प्रहस ने कहा था वानर शिविर पहुंचकर वानर का रूप धारण कर लेना और किसी वानर से पूछना विभीषण का शिविर कहाँ है, बस पता चल जाएगा। तो फिर तुरंत बदल लेते हैं रूप, यदि किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। हाँ। जय श्री राम। प्रणाम वानर वीरो। प्रणाम वानर वीर, क्या आप बता सकते हैं लंकापति विभीषण किस शिविर में है? लंकापति विभीषण संभवतः वो तो युद्ध क्षेत्र की ओर गए होंगे। युद्ध क्षेत्र की ओर? परंतु हमने तो सुना था वे युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते, उन्हें अपने प्राणों का भय है। हाँ हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते, उन्हें अपने प्राणों का भय है। तो फिर वे अपने शिविर में होंगे। चलिए मैं आपको उनके शिविर की ओर ले चलता हूं, आइए। आश्चर्य है वानर वीरो, इतने दिन हो गए आपको वानर शिविर में रहते हुए, परंतु आपको लंकापति विभीषण का शिविर नहीं पता, और आप दोनों ने अपना नाम तो बताया ही नहीं। आश्चर्य है वानर वीर, इतने दिनों से आप इस शिविर में रह रहे हैं और आपको हमारा नाम नहीं पता। मेरा नाम है भ्रुकट, विकट। विकट? हाँ, और इनका नाम है अंबट। अरे भाई, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है संकट। संकट विकट। बहुत अच्छा नाम है भाई, तो चलिए। लंकापति विभीषण जी, लंकापति विभीषण जी, बाहर आइए। प्रणाम। प्रणाम विभीषण जी, ये दो वानर वीर आपसे मिलने आए हैं, ये है संकट। प्रणाम। प्रणाम। और ये है विकट। प्रणाम। संकट और विकट, क्या बात है वानर वीरों? वानर वीर, कृपया आप जाइए, हमें विभीषण जी से गुप्त मंत्रणा करनी है। गुप्त मंत्रणा? वानर वीरो, इस वानर शिविर में केवल श्री राम गुप्त मंत्रणा करते हैं, आप लोगों को यह अधिकार किसने दिया? लंकेश्वर ने। जय श्री राम। रावण के भेजे दुष्ट राक्षसों, अब तुम्हारा अंत निकट आ गया है, अब तुम्हारा स्वांग समाप्त हुआ। जय श्री राम। रावण के भेजे इन दुष्ट राक्षसों का अंत हो गया विभीषण जी, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। तुम धन्य हो हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
वानर वीरो, मैं लंका नगरी से भलीभांति परिचित हूं। ये सामने लंका का मुख्य द्वार है और इस द्वार के दक्षिण की ओर भी एक प्रवेश द्वार है। उस द्वार के पास शस्त्रागार है और इस मुख्य द्वार के उत्तर की ओर भी एक प्रवेश द्वार है। तुम अपने कुछ वानर वीरों को लेकर उत्तर की ओर से प्रवेश करोगे और तुम दक्षिण की ओर से। मैं मुख्य द्वार पर आक्रमण करूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय लंके। वानर वीरो, आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम वानर सुग्रीव। युद्ध की योजना अनुसार वानर सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है प्रभु। धन्य हो वानर सुग्रीव, हमने जिस उद्देश्य से लंका की भूमि में प्रवेश किया है उसकी पूर्ति युद्ध से ही हो सकती है। परंतु वीर हनुमान कहाँ हैं? हनुमान और युवराज अंगद वानर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। वानरों और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हो चुका है और मैं भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में ही पहुंच रहा हूं प्रभु। हम भी भला युद्ध से कैसे दूर रह सकते हैं वानरराज? आप वानर सेना के सेनापति हैं, आदेश दीजिए हमें क्या करना है। ऐसा कहके मुझे लज्जित ना कीजिए भ्राता लक्ष्मण, हम सबको आदेश श्री राम से लेना चाहिए। नहीं वानरराज सुग्रीव, इस समय युद्ध का संचालन आप कर रहे हैं, हम सब आपके सैनिक हैं। जैसा आप कहेंगे, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। प्रभु, इस समय आपको युद्ध भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पहले आक्रमण में शत्रु की स्थिति देखकर ही अगले अभियान के बारे में निर्णय करेंगे। हाँ प्रभु, आप तो निर्णायक युद्ध ही लड़ेंगे, इस समय तो युद्ध प्रारंभ ही हुआ है। जैसी सेनापति की इच्छा, हम यहाँ किसी भी समय युद्ध के लिए उपस्थित रहेंगे। प्रभु, युद्ध की प्रगति के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
क्या हुआ? वानर सेना लंका में घुस आई है और उसने मुख्य द्वार पर उत्पात मचा रखा है। हमारे कई राक्षस सैनिक मारे जा चुके हैं। कायरो, तुम उन निर्बल वानरों के भय से भाग कर आ गए। हम इसके लिए तुम्हें दंडित करेंगे, परंतु इससे पहले हम उन उत्पाती वानरों को काल के गाल में पहुंचाएंगे। चलो, युवराज मेघनाथ की जय, इंद्रजीत मेघनाथ की जय, युवराज मेघनाथ की जय, इंद्रजीत मेघनाथ की जय, लंकेश्वर रावण, युवराज मेघनाथ कहां छुपे बैठे हो? मारो, मारो! युवराज मेघनाथ की जय, इंद्रजीत मेघनाथ की जय, युवराज मेघनाथ की जय, इंद्रजीत मेघनाथ की जय, युवराज मेघनाथ की जय, इंद्रजीत मेघनाथ की जय, युवराज मेघनाथ की।